हाय गाइस, आप सभी कैसे हो? राधे राधे। ये मेरी यूट्यूब की पहली वीडियो और पहला ब्लॉग है और रात के 10 बजे हैं, 10 बज चुके हैं। सोचा आज मैं ब्लॉग बनाने की स्टार्टिंग कर ही देती हूँ। तो आज का ब्लॉग है वो है बच्चों से रिलेटेड। आज मैं आपको कुछ ऐसी सीक्रेट्स बातें बताने वाली हूँ जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आजकल हम जैसी लड़कियों को तो मालूम ही नहीं चलता है। आज मुझे मम्मी ने बताया, देखा कि वो किस तरीके से करती हैं, कि जब लगता है ना बच्चा बोलने में देरी कर रहा है, वो बोल नहीं पा रहा है, तो एक काम कीजिएगा, रात को एक बाउल में 2 से 3 बादाम भिगो कर रख दें और सुबह छील के अपने बच्चे को खाने के लिए दे दें। देखना 10 से 15 दिन में वो बोलना शुरू कर देगा। और सेकंड, आजकल हम सोचते हैं कि बच्चों को काजल नहीं लगाना चाहिए और बच्चे मतलब ऑकवर्ड फील करते हैं, मतलब सोचते हैं कि बच्चों को हमें काजल लगाना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें रात को डेली बच्चों को काजल लगाकर सुलाना चाहिए। और थर्सडे और सैटरडे, इन 2 दिनों को छोड़कर बाकी सब दिनों में हमें बच्चों को काजल लगाना चाहिए। और काजल हमें घर का बना ही लगाना चाहिए। और घर में काजल कैसे बनाते हैं उसकी वीडियो भी मैं बनाऊंगी जल्दी ही, वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी। तो आपको अगर काजल बनाने की विधि जाननी है तो आप मुझे कमेंट, काजल कैसे बनाती हैं और देसी घी से काजल कैसे बनाते हैं, ये वाली वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी। गाइज, अगर आपको काजल बनाने की पूरी विधि जाननी है तो वीडियो में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा, ताकि मैं थोड़ी मोटिवेट हूँ, इस तरीके की यूज़फुल वीडियो आपके लिए मैं लाती रहूं। थर्ड है हमारा कि बच्चों की जो कमज़ोर हड्डियाँ होती हैं, कि पहले टाइम में किस तरीके से मालिश करते थे कि बच्चे इतने स्ट्रॉन्ग होते, तो आजकल तो हम सोचते हैं कि मार्केट में बहुत सारे हिमालय इतने मतलब बहुत सारी ब्रांड के प्रोडक्ट मिलते हैं और सोचते हैं कि वो ही हमें यूज़ करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सोचिए, पहले के टाइम में मम्मी लोग जो हमारी थी वो देसी घी से हमारी मालिश करती थी, या जो हमारे पापा लोग हैं उनको कितने स्ट्रॉन्ग थे, तो हमें वो ही फॉर्मूले अब भी अपनाने चाहिए। हमें अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मार्केट के जो ये इतने सारे प्रोडक्ट हैं उनको यूज़ ना करके अपने जो घरेलू प्रोडक्ट हैं, जैसे कि देसी घी से मालिश करना, सरसों के तेल की मालिश करना, इस तरीके की टिप्स हमें फॉलो करनी चाहिए। और आप देखते हैं कितने अच्छे रिजल्ट आते हैं। और फोर्थ है हमारा जो कि बच्चों को जब सर्दी लग जाए तो उनको हमें किस तरीके से जल्दी से बचाना चाहिए। एक बाउल में हमें सरसों का तेल लेके उसमें कुछ अजवाइन के दाने, कुछ लहसुन की कलियाँ डालकर उसे गर्म करके बच्चे को हमें उसकी चेस्ट पे, सर पे, पैरों पे लगाना चाहिए, ताकि वो सर्दी से उसको जल्दी से बचाया जा सके। और गाइज, ये थी मेरी सबसे ज़रूरी बातें जो आज मुझे मालूम चली थी। मेरे भी छोटे छोटे से बच्चे हैं, मैंने भी कुछ सीखा है और सोचा कि क्यों ना मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ, इसलिए मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है। अगर मेरी आपको ये टिप्स अच्छी लगे तो ज़रूर बताएगा गाइज। और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप जल्दी से वो वीडियो देखें, ताकि आपको मालूम चले कि आज हमारे लिए कौन सी नई चीज़ आई है। गाइज, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, लॉट्स ऑफ